गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को हरिओम नगर में स्थित एक लॉन में अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए कहा कि 22 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है, केंद्र सरकार ने सभी तरह के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ आवश्यक कार्यों को करने की अनुमति दी जा रही है। इसी तर्ज पर 21 सितंबर को एक गाइडलाइन जारी होगा जिसमें 100 लोगों को कार्यक्रम में बैठने की अनुमति दी है, लेकिन टेंट कार्य और उस कार्य से जुड़े लोग ही 150 हो जाएंगे, जिसको देखते हुए टेंट हाउस एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से संख्या को 300 से 400 करने की मांग की। एसोसिएशन के महामंत्री विजय खेमका ने कहा कि टेंट हाउस का कारोबार पूरे सीजन में 40 से 45 दिन ही चलता है। लॉकडाउन की वजह से टेंट से जुड़े सभी व्यापारी भूखमरी के कागार पर आ गए हैं, जिससे हम शासन के द्वारा सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यों को कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर टेंट हाउस एसोसिएशन के महामंत्री विजय खेमका ने कहा, विजय कुमार खेमका, महानगर अध्यक्ष, टेंट हाउस एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन के आह्वान पर टेंट हाउस एसोसिएशन गोरखपुर एवं उससे संबंधित व्यवसायियों का आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से देश में लॉकडाउन से उत्पन्न हमारे व्यवसाय पे जो समस्या हो गई है उसके प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। क्या मांग कर रहे सरकार? 22 मार्च से लगभग 5 महीना बीत जाने के बाद भी हम लोग के व्यवसाय से संबंधित कोई गाइडलाइन नहीं आई। अब एक गाइडलाइन आ रही है, आने की संभावना है, उसमें 100 लोगों के परमिशन की बात है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि 100 लोगों से हम लोग का कोई भला नहीं होने वाला है, हम लोग कम से कम 400 से 500 की संख्या में काम करने की अनुमति दी जाए। सोशल डिस्टेंस के ऊपर बात है तो देखिए, सब व्यवसाय धीरे धीरे खुल गए हैं। एक फ्लाइट में 160 लोग बैठ के जा रहे हैं, एक बस का एक्सीडेंट हुआ उसमें 72 लोग थे। अभी सब्जी मंडी चले जाइए तो वहाँ कोरोना हो ही नहीं सकता है, इतनी भीड़ है। शहर के प्रमुख चौराहे जाम है, फिर हम लोग के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा? हम लोग की जगह बड़ी बड़ी जगह हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सरकार की हर गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे, जो भी सरकार गाइडलाइन हमको देगी उसका पालन करेंगे, लेकिन हमें 400 से 500 संख्या का अनुमति दिया जाए। क्योंकि जब हम एक बढ़िया शादी करते हैं, बढ़िया शादी मतलब मजे की करते हैं, उसमें टेंट वाले, उसके बाद फ्लावर वाले, लाइट वाले, खाना बनाने वाले और तमाम तरह के स्टॉल लगते हैं, चाट वाले, पान वाले, ऐसे करते हैं जो प्रोग्राम होता है, आर्केस्ट्रा वाले, डीजे वाले, डांसरों का ग्रुप, उसके बाद बारात उठती है, बैंड वाले, ढोल वाले, रोड लाइट वाले, सहनाई वाले, ऐसे करते हुए कैटर्स हैं, ऐसे करते उनकी संख्या 150 से ऊपर हो जाती है, खुद उन्हीं की संख्या 150 से ऊपर हो जाती है। ऐसे परिवार जैसे हम लोग का काम सीजनल है, साल में 40 से 45 दिन ही होता है, ऐसे में सारे लोग, उनके परिवार, हम लोग के इसी बिजनेस पे रहते हैं, उपरोक्त रहते हैं। अब कहा जाता है कि जैसे पैसा कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, हम सरकार, हम लोग की रोजी रोटी का संकट आ गया, सरकार 400 से 500 आदमी की जब छूट देगी तभी कोई काम चलेगा। इसी संदर्भ में आगामी 8 तारीख को पूरे देश में एक साथ हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन इंदिरा बाल विहार से एक मानव श्रृंखला बनाकर जिलाधिकारी गोरखपुर को दिया जाएगा।